सीरियल दीवानी में यहाँ पर मीरा को मिल गया है। पार्थ और मीरा के घर आ गया है। कहता है चलो मैं तुम्हारा चेहरा सबके सामने लाए लेकर आऊँगा और सबको बताऊँगा कि तुम कैसी हो। तभी वहाँ से रुद्र आ रहा होता है। मीरा हाथ जोड़ती है, कहती है पार्थ प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, रुद्र आ रहा है। और वहीं एक पर्दे में आग लग गई है। तभी रुद्र को आता देख मीरा बहुत परेशान है, बहुत रिक्वेस्ट कर रही है, गिड़गिड़ा रही है और बोल रही है कि प्लीज़ पार्थ चले जाओ। और पार्थ वहाँ से चला जाता है। तभी अचानक रुद्र आ जाता है। वह देखती है पीछे कि पर्दे में आग लगी है तो डर जाती है और पानी उठाती है, उसे बुझाने के लिए पानी डालती है तो वह बुझता नहीं। तभी जब रुद्र देखता है कि मीरा पानी से आग बुझा रही है तो डर जाता है, सोचता है ऐसा तो नहीं कि मीरा को कुछ हो जाएगा। वह बहुत आग बुझाने की कोशिश करती है। खिड़की से पार्थ देख रहा होता है। रुद्र कहता है तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं, तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया, लाओ मैं आग बुझा देता हूँ। और मीरा पार्थ को देखती है कि वह खिड़की पर खड़ा है, डर जाती है देखकर। तभी पार्थ उसकी तरफ देखकर बहुत गुस्सा है और रुद्र आग बुझा देता है। कहता है मीरा क्या हो गया, तुमने मुझे बताया नहीं, मुझे बहुत डर लगता है, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता। तभी पार्थ घर आता है और घर आके गुस्सा होता है बहुत तेज। उसका एक डॉगी है और वह गुस्से से घर की सारी चीज़ें तोड़ रहा है। याद करता है कि रुद्र के साथ है मीरा, मैंने देख लिया है। और भगवान से कहता है कि आप ऐसा क्यों करते हो कि जो रिश्ते मुझे पसंद है वहीं मुझसे दूर कर देते हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने ऐसा क्या किया है जो हमेशा मेरे साथ ऐसा होता है। और जो डेकोरेशन है घर का वह सारा फेंक रहा है। कुत्ता यह देख कर परेशान है, सारी लाइट्स फेंक रहा है, सारी चीज़ें जो बनी हुई हैं वह बिखेर डाल रहा है और बहुत तेज गुस्से में है। तभी उसके घर के बाकी लोग आ जाते हैं। डॉगी देखता रहता है। बुआ जी आती हैं, माँ आ जाती है और बुआ जी कहती हैं ये क्या कर रहे हो पार्थ। दादी आ जाती हैं और कहती हैं क्या हुआ तुम्हें, किस बात का इतना गुस्सा आ रहा है जो तुम ये सब नष्ट कर रहे हो। पार्थ कहता है आप सुन नहीं पाएंगी दादी, आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी जो मैं देख कर आया हूँ। गर्व कहता है क्या हो गया पार्थ, ऐसा क्यों कर रहे हो। तो मीरा आईने के सामने देख कर कहती है पार्थ जो आप सोचते हैं वो मैं कभी नहीं कर सकती, लेकिन आपको केवल स्थितियाँ पता नहीं हैं, आपको ये मालूम नहीं है कि मीरा हर जन्म में अपने कृष्ण की ही है और किसी की भी नहीं हो सकती।